आरएसएस और बीजेपी के लीडरान जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसका खंडन करने के लिए आज हम बेलगाम के सभी मुसलमान भाई एक जगह जमा होकर डीसी को मेमोरेंडम दिए हैं कि ऐसे लोगों की वजह से शहर का माहौल ख़राब हो रहा है और डिपार्टमेंट और हुकूमत चुपचाप बैठी हुई है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हम यही पूछना चाहते हैं डिपार्टमेंट को, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अमन चाहते हैं और सुकून चाहते हैं। जिसका दूसरे कौमों का जितना इस देश पर हक है उतना ही हक हमारा भी है। हमें दूसरे दर्जे का शहरी क्यों समझा जा रहा है, जब इसी सवालों को लेकर हम आज डीसी ऑफिस में डीसी को मेमोरेंडम दिए हैं। और जिस तरह से रानी चवनम्मा वाल्मीकि और कनकदास जी की जो जयंती मनाई जाती है, उसी तरह से भी टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए हमें परमिशन दें और 10 नवंबर को बड़े पैमाने पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती मनाने की अनुमति दें। साथ ही साथ हुकूमत पर कितना भी दबाव आए, कितना भी प्रेशर आए, हुकूमत पीछे न हटे। हम हुकूमत की दाद देते हैं कि वो टीपू सुल्तान जयंती मना रही है और हमें सही तरीके से मनाने का हमें परमिशन दें। हम भी चाहते हैं कि टीपू सुल्तान की याद मनाएं, या रैली निकालें, बड़े बड़े प्रोग्राम इनेकाद करें। इसीलिए जिस तरह से हमारा कोऑपरेट दूसरे कौमों की जयंतियों को होता है, हमारे भी जयंतियों को कोऑपरेट करें, यही हमारा निवेदन है। हमारे से बात करें, जिस आदमी को तारीख पता ही नहीं है, 1681 में टीपू सुल्तान पैदा नहीं हुए थे, 1681 का स्टेटमेंट देते हैं वो लोग। पहला तारीख का मुताला करो बोलो, फिर टीपू सुल्तान के बारे में बोलो बोलो उनको बस। इस बार जैसा भी हमें डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन करता है, वो हिसाब से हम टीपू सुल्तान जयंती मनाएंगे, जोर से मनाएंगे, बड़े शान और शौकत से मनाएंगे।